वैसे तो मानव जीवन में ऑक्सीजन का महत्व हमेशा से ही रहा है, लेकिन हम शायद इसे समझ अब रहे हैं जब ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है। हमने हमेशा से किताबों में पढ़ा है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमने शायद इसे समझने में देर कर दी है। आज हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और जानेंगे कि क्या है पौधों का महत्व और वो कौन से पौधे हैं जो आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे पौधों के नाम बताऊंगा जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं और आप इसे अपने घरों में भी लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं GangaTimes.com। सबसे पहले पौधे का नाम है स्पाइडर प्लांट। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्पाइडर प्लांट के पत्ते लंबे और झुके हुए होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसे रिबन प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। 60 सेंटीमीटर से 2 फीट तक की ऊंचाई वाला यह पौधा वातावरण से कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलीन को सोख लेते हैं। स्पाइडर प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को भी सह लेते हैं और कड़ाके की गर्मी को भी। आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं और लिविंग रूम में भी। देखभाल करने की बात करें तो स्पाइडर प्लांट को हफ्ते में 1 बार पानी देने की ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी में नमी मौजूद हो तो 1-2 दिन के बाद ही पानी दें। अब जो मैं आपको पौधे का नाम बताने जा रहा हूँ उसका नाम है गार्बेज डेजी। गार्बेज डेजी एक अत्यंत ही सुंदर फूल का पौधा है जो आमतौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। नासा की रिसर्च में पाया गया है कि गार्बेज डेजी वातावरण से बेंजीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन को सोख लेता है। आप इसे किसी भी रूम के खिड़की के पास रख सकते हैं ताकि बाहर से सूर्य की रोशनी सीधी मिल सके, और चूंकि ये खिड़की के पास रखा होता है तो इसे नियमित पानी देने की जरूरत होती है। तीसरा पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो शायद आप लोग जानते ही होंगे और आप में से बहुतों के घरों में पाया भी जाता होगा। मनी प्लांट को कम रोशनी वाले कमरों में भी रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनी प्लांट में वो शक्ति होती है जिससे वो वातावरण से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन और ट्राइक्लोरोएथिलीन जैसे विषैले रसायनों को भी सोख लेता है। इस पौधे को संभालना काफ़ी आसान होता है, बस हफ्ते में 1 बार पानी दे दीजिए और धूप की तो ज़रूरत ही नहीं होती। शायद इसीलिए ये बहुत सारे घरों में आसानी से पाया जाता है। अगला पौधा है एलोवेरा। कोरोना के दौरान एलोवेरा का इस्तेमाल भारत के करीब करीब घरों में काफ़ी बढ़ गया है और वैसे भी इस पौधे का मेडिकल इस्तेमाल काफ़ी अधिक है। इसके पत्तों से निकलने वाला जेल का इस्तेमाल त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने से लेकर तमाम कामों में किया जाता है। ये जेल एंटीऑक्सीडेंट होता है और मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कई आयुर्वेदिक उपयोगों के अलावा इसकी पत्तियों में वातावरण से टॉक्सिक बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को सोख लेने की क्षमता भी होती है। इसे घर में ऐसी जगह रखें जहां धूप आसानी से आती हो। एलोवेरा को पानी देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे का नाम बताने जा रहा हूं मैं, उसका नाम है वीपिंग फिग। वीपिंग फिग एक बहुत ही सुंदर रूम प्लांट है जो बड़े शहरों के घरों में आमतौर पर देखा जा सकता है। ये पौधे 20 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, इसलिए इसे बरामदे या बालकनी में ही रखें। यह घर की हवा में मौजूद टॉक्सिक रसायन जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन और टोलुइन को सोख लेता है। इसकी खास बात होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से सोखकर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वीपिंग फिग को पालतू जानवरों से दूर रखें और समय समय पर तेजी से फैलने वाली जड़ों का भी ख्याल रखें। तो ये थे उन 5 पौधों के नाम जिन्हें आप अपने घरों में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पौधों का नाम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।